सुना सुना भैया और बहिनिया, करे चल मतदान, करे चल मतदान, भोटावा जे देबै मिली जुली के होतै भोगयान, तबे होतै कल्याण। सुना सुना भैया और बहिन, चले कर मतदान, चल करे मतदान। सुना हो भैया सुना बहिनिया, सुना कहनवाना, सुना हो भैया सुना बहिनिया, सुना कहनवाना। लोकतंत्र में आयल महा पर कर मतदानवाना। औरंगाबाद से आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर, आपके साथ मैं हूँ राकेश पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं सूर्यदेव की नगरी है, सूर्यदेव की धरती है, सूर्य मंदिर यहाँ का काफी प्रसिद्ध है, यहाँ की छठ पूजा काफी प्रसिद्ध है। और औरंगाबाद में लोगों का मिजाज क्या है, औरंगाबाद की नब्ज क्या कहती है, कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या फिर महागठबंधन। हालांकि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी के रामाधार सिंह और कांग्रेस की ओर से आनंद शंकर हैं, उनके बीच मुख्य मुकाबला है। लेकिन बाजी किस ओर बैठेगी, लोग क्या फैसला करते हैं, ये 28 तारीख को तय होगा, 10 नवंबर को नतीजों के दौरान साफ होगा। लेकिन औरंगाबाद के रमेश चौक से मिजाज क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना का मौसम है, कोरोना के मौसम में चुनाव, इस पर कोई गाना हो जाए फिर मैं बातचीत की शुरुआत करूं। आई है इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम कोरोना, तुम इसे डरो ना, बाहर निकलो ना, तुम इसे डरो ना, बाहर निकलो ना। हम लोगों से बातचीत करने की शुरुआत करते हैं, आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार यादव। क्या करते हैं आप? सोशल वर्कर हैं, बिजनेस। सोशल वर्कर हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है यहाँ पर, किसके पक्ष में आवा है? यहाँ आनंद शंकर जी जीत रहे हैं। भाई आपको कोरोना का डर नहीं, आप ना मास्क लगाए हैं ना आपने गमछे का इस्तेमाल किया? अरे कोरोना है कहाँ, कोरोना तो मोदी जी फैला दे, SC ST NRC जो ला, कोरोना मोदी फैला दिए, अब कहाँ आज कहाँ कोरोना है, देख रहे हैं कि कितना भीड़ चल रहा है, सभा हो रहा है। अभी औरंगाबाद में कल 30 कोरोना निकला है, वो तो मोदी जी का जो जुमला था उसने कोरोना जुमला हो गया, कोरोना जुमला हो गया। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह हुआ। कोरोना जुमला है क्या? कोरोना जुमला है, अगर कोरोना का डर दिखा करके मोदी जी लोगों को पैक रख रहे थे घर में, और हम लोग भी उसको समझ रहे थे और घरों में थे। आज चुनाव करा रही है ना सरकार, आज चुनाव हो रहा है ना सरकार, क्या चाह रहे थे चुनाव ना हो? नहीं होना चाहिए था चुनाव, कोरोना इतना विधानसभा था कि चुनाव रोक देना चाहिए था। बैठ जाते धरने पर, बोल देते कि नहीं चुनाव, बहिष्कार कर देते चुनाव का। तो आपको चुनाव का तो अगर चुनाव आयोग का बहिष्कार कर देती ना सारी पार्टियां बिहार की, कैसे बहिष्कार करेंगे, जब चुनाव कराइएगा तो लड़ेंगे नहीं। बोले बिहार बदले सरकार, सिर्फ सरकार बदले, बदलने के लिए बदलनी है या फिर कोई वजह भी है? सरकार बदलना है। क्यों बदलना है, क्यों बदलना है? बहुत अत्याचार हो रहा है और क्या, कोई अत्याचार, क्या अत्याचार हो गया, विकास नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से विकास की परिभाषा क्या है? देखा कि बेरोजगारी है आदमी का। आपको क्या लगता है औरंगाबाद में काम हुआ है, विकास हुआ है, सरकार बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए? कोई काम नहीं हुआ, सरकार बदलनी चाहिए जी, इसलिए कि इस सरकार में बेरोजगारों का बहुत संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वैक्सीन भी क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये जो है ये चुनाव से पहले ही कोरोना जो है सो यहाँ आ गया था, ये मार्च में ही कोरोना का जो है सो ये हो गया है। सरकार तो कोई बने, वैक्सीन फ्री हो, ये चुनावी मुद्दा क्यों? ये कोरोना के नाम पर मोदी जी का बिहार वासियों के लिए अच्छा मजाक है। बिहार के जनता मूड बना चुकी है, बिहार के किसान मूड बना चुके हैं, बिहार के युवा बेरोजगार युवा मूड बना चुके हैं। इस बार परिवर्तन होगी, बेरोजगारों के मुद्दा पर सरकार चुना जाएगा। आज ये बेरोजगार युवाओं को मजाक बना रहे हैं, जब तेजस्वी यादव बोलता है कि 10 लाख रोजगार देंगे तो बोलते हैं कि पैसा कहाँ से दोगे। अरे आप 15 साल राजनीति किए हो, आप 15 साल शासन किए हो और बिहार के बेरोजगार युवाओं को मजाक उड़ा रहे हो। किसान क्या सोच रहे हैं बताइए, सरकार बदले नहीं बदले, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार? किसान यही सोचता है कि भाजपा की सरकार हो, बहुत व्यवस्था दे रही भाजपा सरकार। आपको पैसा मिलता है फसल का? 6,000 रुपये मिलता है, जात पात नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, और आज जो भी विकास हो रहा है बिना जात पात के हो रहा है, हर वर्ग के लिए विकास हो रहा है। क्या आप लोग बांट लिए हैं क्या कि उधर RJD वाले मतलब गठबंधन हो जाए, इधर BJP हो जाए? ऐसा कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग को विकास चाहिए,
आज 15 साल पहले का सड़क और आज का सड़क मिला के देखिए, दोनों में क्या तुलना है। बिजली देखिए, अभी जो कह रहे हैं आज ही किसे बेरोजगार को, तो 15 साल पहले कहाँ बेरोजगार नहीं था लोग उस समय। अरे एक बात बताइए, नीतीश कुमार मजाक उड़ाते हैं तेजस्वी की बात का कि 10 लाख नौकरी कहाँ से, बीजेपी ने कह दिया 19 लाख नौकरी। देखिए बीजेपी जो भी काम करती है उसके पीछे एक कार्य योजना होता है। ये लोग कहते हैं किसान पर सवाल उठाते हैं, आपको भी पता है कि 6000 सालाना लोगों को मिलता है, किसानों को 6000 रुपये मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 19 लाख देंगे, एक कार्य योजना पर पार्टी हमारी काम करती है, ऐसा नहीं कि हमने हम नीतीश कुमार ने नहीं कहा ना, बीजेपी ने कह दिया मैनिफेस्टो में कि 19 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार 10 लाख पर मजाक उड़ा रहे हैं, 19 लाख का वादा बीजेपी की ओर से। ये बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो है, बीजेपी का एक कंबाइंड मैनिफेस्टो नहीं है। ये वैक्सीन फ्री का क्या मतलब है? वैक्सीन फ्री दिया जाएगा, आप भली क्या यूपी के लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हम तो चुनाव को लेकर हम तो सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है क्या, कि जब जंगल राज था तो पहले दुकानें 5 बजे बंद हो जाया करती थी, लेकिन आज के डेट में हम लोग 12 बजे तक दुकान खोल। एक छठ पे मैं ठीक है, चलिए छठ पर एक गाना सुना। सुना भैया और बहन चले कर माते दान, चला करे माते दान। तेजस्वी पर भरोसा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा है? तेजस्वी कोरोना की फ्री वैक्सीन दे रही है बीजेपी? बीजेपी का वैक्सीन अपना तो है नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारा टीकाकरण किया जा रहा है। कोई भी सरकार हो जो सामाजिक सरोकार का काम है वो करेगी। इस पर बीजेपी अपना जो दावा कर रही है वो उनके तमाम दावों की तरह खोखली दावा है। तब बीजेपी से खुश हैं? जी बीजेपी से खुश हैं। थोड़ा सा नीतीश जी के वो काम गलती कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा को एकदम ले डूबे हैं। अच्छा। बाकी काम उनका सब सही है। तो आपको क्या लगता है कौन नौकरी देगा, बीजेपी नीतीश कुमार की तेजस्वी? ना टाइम से एग्जाम होना है ना कुछ होना है सर, हम लोग 6 साल से बेरोजगार हैं। इस बार तो ये सोच रहे हैं कि युवा सरकार बनाएगा तो हम लोग रोजगार मिलेगा। मार्केट में जाम बहुत लग रहा है तो इस पर भी कुछ काम होना चाहिए। मार्केट में जाम लग रहा है, औरंगाबाद और देव दोनों जगहों पर रिंग रोड बनाने की विचार है। देव में रिंग रोड का DPR तैयार हो गया है आदरणीय श्री विधायक आनंद शंकर सिंह के सौजन्य से और उनके प्रयास से। आप लोग जो हवा बना रहे हैं रामाधार सिंह को लेकर, इनका दावा ये कि वो हवा फर्जी है, रामाधार सिंह नहीं जीत रहे हैं। सर मुझे तो हंसी आ रही है, जिस रिंग रोड की ये बात कर रहे हैं ना वो यहाँ के पूर्व DM थे कमल तनुज, उनकी वो रूपरेखा तैयार की गई थी। आप जवाब देने दिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दूसरी बात जो देव सूर्य मंदिर की रूपरेखा, क्योंकि सर इनको मालूम नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। यही अफसरशाही है, यही अफसरशाही है, लोकतंत्र का हत्या करके अफसरशाही को हवा करवा रहे हैं। DM पुल बनाता है, देव जैसे पर्यटन स्थल में इन्होंने कुछ नहीं किया। कौन जीरो है? हमारे विधायक जो है सो जीरो हैं। नाम लीजिए ना, चाहते हैं हीरो। नाम लीजिए ना, कौन विधायक? आनंद शंकर जी, उनका जहां अपना काम है। विकास होता रहेगा लेकिन पहले खुद का विकास हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले, तो बताइए कैसन बा जमाना, ये कैसन सरकार बा, मिलत नहीं नौकरी का करो बेरोजगार बा। कैसन बा जमाना, ये कैसन सरकार बा, मिलत नहीं नौकरी का करो बेरोजगार बा। 40 के उम्र भइले अगुआ नया बता, हाउ देखा बीए करके बकरी चरावता। जब शादी होती है तो जो लोग रिश्ता लेकर जाते हैं अगर बीच का कोई आदमी तो उसे अगुआ कहा जाता है यहाँ की भाषा में। हाँ चलिए आप कुछ कह रहे थे। ये गाना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे मनोज तिवारी जी ने गाया था, और इस गाने को आज के समय में युवा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर भी इसे चरितार्थ कर सकते हैं। 15 साल पहले क्या था, लाइन था, सड़क था, अस्पताल, स्कूल का क्या हाल था, बतिया रहे हैं। गठबंधन के जो नीति है इसमें कोई स्वतंत्र है? सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में जो मर्डर हुआ, कांग्रेस वहाँ सरकार आज तक चुप रही, कुछ नहीं बोल पाया, वहाँ पर कोई न्याय की बात नहीं सुनते हैं। आज बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो न्याय मांगते हैं कि यहाँ पर न्याय अन्याय हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, उसके बारे में नहीं सुनते हैं। नीतीश जी का काम अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, और यहाँ पे बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेरोजगारों के लिए? रोजगार किसी कौन नौकरी देगा, तेजस्वी की नीतीश?
सर जो भी दे, लेकिन बेरोजगारों को नहीं देगा सर, कोई नहीं देगा। चलिए ठीक है, अतुल मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर, अतुल मेरे सहयोगी हैं, एक आपसे मैं एनालिसिस मानूं कि किन मुद्दों पर लोग वोट डाल सकते हैं, किन मुद्दों पर नहीं डाल सकते हैं, क्या बातचीत हो सकती है? देखिए यहाँ पर मेन तो बेरोजगारी ही मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोगों में बेरोजगारी है। काफ़ी लड़के पढ़ लिख कर भी सड़कों पर घूम रहे हैं, तो वो तो रोजगार मांगेंगे, उनका अधिकार है, उनका हक है। मतलब मुझे लगता है कि अतुल पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में रोजगार बेरोजगारी ये सब मुद्दा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बताइए आप लोग, तेजस्वी की नीतीश, इधर इधर घुमाइए, इधर 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 घुमाइए, नहीं उधर 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 पीछे पीछे, बिहार के लोगों के लिए एक गाना, अरे किया सी ऐसे कई के भी, अरे बेटावा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, आसी एस कई के बीए बच्चावा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। तो चलिए इसी गाने के साथ औरंगाबाद से फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, 28 तारीख को चुनाव और 10 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ से कौन बाजी मारता है, और 10 तारीख को ये पता चलेगा कि बिहार अब की बार बदलने वाला है या फिर नहीं। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।